स्टार्ट करिए, मैं व्यूअर्स को अपना आवाज सुनाते हैं भाई। तो फ्रेंड्स सुनिए, मतलब मैं तो साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। ये स्टॉप मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइड, मैं मर्सिडीज में बात करूँ सबसे कैपेबल कार मतलब आज हमारे चैनल पे है। पहले तो ये सबसे कम दिखती है, मतलब सबसे यूनिक तो ये है कि इस गाड़ी मार्केट में बहुत कम है। हाँ, पेट्रोल इंजन है इसका। पेट्रोल इंजन है, अच्छा। V8 इंजन है, अब तो इसमें डीजल भी आना शुरू हो गया है। ओके, मैं इसका पेट्रोल इंजन आपको दिखाता हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग आप इंजन से करते हैं, तो देखिए कितना ही नीट एंड क्लीन इंजन है इसका। ये AMG इंजन है, AMG इंजन है, बैजिंग दी हुई है, बाकी सारी चीजें वही कूलेंट, वही इंजन ऑयल और V8 इंजन है, ट्विन टर्बो है, सॉरी सुपर चार्जर वगैरह इसके अंदर काफी कुछ है। आप देख सकते हैं इंजन, देख सकते हैं कि AMG होने के नाते कितना बड़ा इंजन है। हम मार्किंग भी की है, किसने एक्चुअली बनाया है इसका। ये गाड़ी ये सेमी पुणे की बनी हुई गाड़ियां नहीं होती, बाहर से आती है, मतलब पार्ट्स आके या असेंबल होती है या पूरी गाड़ी, अच्छा कार ही पूरी आती है। तो अब मैं अगर बात करूं भैया, जैसे पेट्रोल में थी, पहले पेट्रोल में आती थी, तो पेट्रोल में V8 इंजन की पावर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। पावर सर बहुत ज्यादा है, इसके रिगार्डिंग पेट्रोल यूज करने का भी इसके अंदर तरीका है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नॉर्मल फ्यूल डलवा, नॉर्मल फ्यूल नहीं डल सकते, नॉर्मल फ्यूल डलवा सकते हो आप, बट जो मर्सिडीज रिकमेंडेड करता है वो इसमें 95 ऑक्टेन से ऊपर का करता है। अच्छा, मतलब जो उनकी डेंसिटी होती है 95 ऑक्टेन से ऊपर वाला होना। इस गाड़ी को चलाने का मजा और इस गाड़ी की पावर का मजा और इसके यूजेस का मजा जब ये जब आप वो एक्चुअल में वो वाला फ्यूल यूज कर रहे हो, अदरवाइज बेकार है गाड़ी, बेकार, मतलब प्रॉब्लम्स भी आते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर आप नॉर्मल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो नॉर्मल फ्यूल के साथ गाड़ी चलेगी, ऐसा नहीं कि चलेगी, बट कुछ टाइम बाद, साल दो साल बाद आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत आने लग सकती है। और इसके इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कितना कैपेबल इंजन है, जैसे अगर मैं इसको बात करूं ऑफ रोडिंग में किसी भी टेरेन पे जा सकती है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी वो, तो कोई इशू नहीं है सर, फुल्ली ऑफ रोडेड कार है, फुल्ली ऑफ रोडेड होती है, मतलब फुल्ली ऑफ रोडेड। और अगर मैं भैया जैसे बात करूं इसकी, तो जैसे वेट वेट का तो इसका मतलब काफी हैवी कार है ऑलरेडी, तो इसमें कभी ऐसा होता है कि जैसे हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ओवर वेट की वजह से कभी दिक्कत आती हो कार को? आज तक तो सर मर्सिडीज से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज तक कोई ऐसा केसेस नहीं है कि गाड़ी पलट गई हो, कुछ ऐसा हो गया, आज तक लीगली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन से हैं, मतलब जैसे हम बात करें तो रेंज रोवर ये स्पोर्ट्स वगैरह इसके कॉम्पिटिटर आते हैं? AMG है सर, ये AMG का कॉम्पिटिटर आप जाएंगे तो फिर आपको इसमें ऑटोबायोग्राफी से आप कंपेयर कर सकते हो, वो भी उनका AMG इंजन नहीं है, उनके पास AMG नहीं है, AMG मर्सिडीज के पास है, और M4 वगैरह BMW में जाएंगे तो आप उससे कंपेयर कर, पर उसके M4 वाला तो शायद सेडान वाले में ही आता है वो, इसको शायद ऐसे SUV में तो इसका कोई बीट है ही नहीं, क्योंकि X5 और ये सब X7 इस लेवल के नहीं कार्स हैं कि वो, हाँ वो उनके कंपैरिजन किए कि स्पोर्ट्स में थोड़ा आप इसके साथ M3 M4 वगैरह को जो M-सीरीज है उनकी उससे आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी AMG होती है। और वैसे भी ये कार मेरे ख्याल से ड्रैग के लिए नहीं बनी है, ये कार अपनी एक पावर इसमें अलग ही लेवल की है, ये कहो कि भगाने के लिए कार है अकेले तो वो तो नहीं है, ये गाड़ी का शौक ही, मतलब वो तो है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभार हाईवे पे अगर क्रॉस करती है, क्योंकि मैं एक कार लवर हूँ, मैं देखता था तो मेरे को लगता था कि पता नहीं कब ऐसी कार देखने को एग्जैक्टली मिलेगी, आपको इसको स्टार्ट करके साउंड और ये सब चीजें डेफिनेटली डेफिनेटली हम वो देखेंगे, यूनिक है क्या क्या स्पेशल है, किस वजह से लोग इसे पसंद करते हैं, किस वजह से लोग इसे देखना पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए मतलब इसकी जो लाइट्स हैं, ये शेप, मतलब कुछ लोग यहाँ पे इंडिया में आप देखा होगा कि बुलेरो को इससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुलेरो इनके ऊपर बेस्ड है, मतलब बुलेरो की हो गई या फोर्स गुरखा, उसको कुछ कुछ मतलब उसमें जो इंडिकेटर होता है वो ऐसे ही दिया, और ये देखिए ये बहुत पुराने टाइम से इन्होंने अपना इंडिकेटर का लुक ऐसा चेंज नहीं किया, ये इनकी एक पहचान बन गई है। इनके ये जो आप अगर साइड में देखोगे यहाँ पे इनके व्हील आर्चेज हैं, ये बहुत बड़े हैं, मतलब राउंड शेप में इनकी जो DRL है ये इसका एक यूनिक मतलब रिजेम्बलेंस बन गया है कि ये ऐसे ही ये लोग अपना यूज कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो है जो ब्लैक में है, और ऐसा कुछ आगे से फ्रंट लुक आता है। हम एक बार ये बोनट भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा आगे से कुछ लुक आता है हमारा इसका, और बहुत ही मतलब यूनिक लगता है देखने में आगे से, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो तभी ये कुछ कुछ लोग बोलेरो को इससे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मर्सिडीज बेंज का हमारा लोगो है आगे। अब अगर हम साइड की बात करें यहाँ पे, तो इसके व्हील आर्चेस देख सकते हैं, मतलब कितने प्यारे AMG के हमारे टायर लगे हुए हैं। और ये भैया 275/50 R20 ये स्टॉक टायर हैं इसके जो आते हैं, ये इसका
मर्सिडीज रिकमेंडेड है और स्टॉक टायर है, मतलब कुछ इसमें हमारी ऑल्टरेशन ये देख सकते हैं, अलॉय मतलब कितने अच्छे हैं। बीच में यहाँ पे हमारे ब्रेक कैलिपर्स और वो सब कितना क्लासिक लग रहा है अंदर रेड रंग का। और ब्रेक पैड और डिस्क सेरेमिक होती है इसकी, आप देखेंगे इसको ब्रेक पैड डिस्को के अंदर इसकी वेंटिलेशन दिया हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स कार होने के नाते और थोड़ी ऑफ रोड कार होने के नाते इसके ब्रेक डिस्क बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, हीट होते होंगे क्योंकि वेंटिलेशन दिया हुआ है, गाड़ी चलेगी तो भी वो अपने आप को अपने आप को कूल रखेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मतलब अलॉय पे भी यहाँ पे एमजी की बैजिंग है, ये मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एयर का इंटेक है, उसके बाद यहाँ पे एमजी की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे ओआरवीएम पे इंडिकेटर दिया हुआ है। साइड में अगर हम बात करें तो फुट रेस्ट इसका काफी अच्छा लगता है, एक मेटल की पूरी वो है, साइड से ऐसा लुक आता है, कुछ कुछ बॉक्सी है लेकिन इसका बॉक्सी लोगों को पसंद आता है ये वाला लुक। और अगर हम बात करें साइड पे तो इसके देखिए अभी भी आप यहाँ पे देखेंगे डोर पे हिंजेस ऐसे दिए हुए हैं जो पुराने टाइप के आते थे, और ये वाला ये आपने देखा होगा बहुत पहले अम्बेसडर और कॉन्टेसा में इस तरीके का था। लेकिन देखिए आप मतलब आवाज़ देखिए इसकी, अगर वो बंद होता है तो क्या मतलब बढ़िया आवाज़ आ रही है इसकी। हम अगर बात करें पीछे की तो ऐसा कुछ हमारा पीछे से लुक आता है, जो एलईडी नहीं आती होगी, एलईडी है। अच्छा इसमें अभी भी एलईडी है, कुछ एलईडी है, अब तो फुली एलईडी आ गई, अब तो फुली एलईडी आ रही है। कितने हैवी डोर्स है मतलब, इंटीरियर तो देखिए आप मतलब इसका कितना क्लासिक है लेदर फिनिश के साथ, और मतलब देखिए बीइंग मतलब ऐसा वैसा कुछ इसमें कोई लगेज कैरी करता नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ी इसकी मतलब डिग्गी है आप देख सकते हैं मतलब अंदर, और बहुत ही नीट एंड क्लीन रखा गया है इसको। यहाँ पे इसका वो है ब्लाइंडर शायद है सामान सेपरेट करने के लिए, तो ये देखिए ये सब चीज मतलब काफी बॉक्सी से होने के बाद भी मतलब अच्छा लुक आता है और बहुत हैवी है। मतलब अगर आप देख सकते हैं भैया जैसे डोर को खोला बंद कर रहे हैं तो वो पता लग रहा है हमें। फिर और भैया इसमें तो इंक ले नीचे दिया हुआ, और पहली बार मैंने देखा साइड से ऐसे वॉशर है, और उसका ऊपर एक वॉशर ऊपर कैमरा है, ऊपर हमारा कैमरा है और साइड में हमारा वाइपर का है, तो इसमें डायगनली ऐसे मतलब टेढ़ा करके आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं, बहुत पहले ऐसे हुआ करते थे। मतलब ये डेफिनेटली मैं मतलब बात करूं अगर दो उसमें टाटा 407 या उनमें इस तरीके के आते थे, लेकिन ये मतलब काफी अच्छे हैं, लुक भी लग रहे हैं और गोल्ड इज गोल्ड तो है ही बच्चा के लिए ये डेफिनेटली। भैया चलिए आप आगे आइए अपनी सीट पे, आप हमें अंदर से बताइए एक बार स्टार्ट करके और देखते हैं हम इस कार को। आप मेरे को इसकी की दिखाइए पहले, तो ये तो इसकी की है कुछ इस तरीके की इसकी की है। चलिए आप स्टार्ट करिए, मैं व्यूअर्स को अपना आवाज सुनाते हैं भाई। तो फ्रेंड्स सुनिए मतलब मैं तो साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। ये स्टॉप फ्रेंड्स ये स्टॉक आवाज थी, कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल आवाज है इसकी, बस हल्का सा एक भाई भैया ने उसको मतलब आवाज करी थी उसकी। आप हाँ बैठ जाइए आप, तो ऐसा कुछ फील आता है अंदर बैठने में इसमें जो दिख रहा है यहाँ से। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, भैया इधर का पहले आप बता दीजिए फिर मैं उधर जाऊँ। सबसे पहले इसके अंदर जैसे हम की को आंसर करते हैं नॉर्मल मर्सिडीज का हमेशा स्टार्टिंग रहता है, इसका डिजिटल मीटर शुरू होता है, टेम्परेचर का, ये फ्यूल का, ये स्पीड्स का, इको सिस्टम भी है इसके अंदर। एक सेकंड, हाँ क्लस्टर मीटर के अंदर बकायदा पुल्ली एमजी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको बोल दिया एमजी इसलिए है, आप देखेंगे हर जगह मार्किंग मिलेगी, मतलब जो कंपनी की मार्किंग है, कंपनी ये आउटसाइड मार्किंग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऊपर यहाँ हमारा लेदर की फिनिशिंग है, मतलब सब कुछ रफ एंड टफ पूरा इसका मतलब वो फील आता है, और मैं आपकी पोजीशनिंग देख सकता हूँ मतलब आप काफी ऊपर बैठे हैं, मतलब फील मतलब मेरे को यहाँ से बोनट पूरा आगे का, मैं अंदर से भी अभी व्यूअर्स को दिखाएंगे कैसा लुक आ रहा है। अगर हम साइड में बात करें तो जैसे मतलब बीइंग ऑफ रोडर एक कॉस्टली कार होने के अलावा इसमें सारी फीचर्स हैं, सबसे अच्छे मतलब हाँ इसका शायद मेरे को टेक्सचर सबसे अच्छा लगा, जो अंदर ब्लैक में अंदर मतलब अंदर रेड ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे वही तीन सीट्स को हम मेमोराइज कर सकते हैं अपने हिसाब से सीट एडजस्टमेंट, आप रिमेम्बर होगा तो अगली बार मैं आगे आता हूँ और आपके साथ बैठ के बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मतलब कितना अच्छा यहाँ पे इंटीरियर है इसका, एमजी लिखा है, वही सेम लेदर की सीट्स हैं आपके हर मन के। अच्छा तो ये इसके म्यूजिक सिस्टम है, और अगर हम बात करें अंदर से तो एक तो बीइंग अ एसयूवी कार मतलब जीप जैसी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लुक आ रहा है, मैं यहाँ से बहुत क्लियर फील कर रहा हूँ, आगे बैठ के देख सकता हूँ मैं बड़ा आराम से। और इसमें इंटीरियर में अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर हमारा सनरूफ का दिया हुआ है,
हाँ जी ऊपर इसका सनरूफ है। मतलब सनरूफ तो आजकल एक रिक्वायरमेंट हो ही गई है जो मतलब एटलीस्ट, तो मतलब सनरूफ काफी अच्छा है, मतलब इसका अगर हम देख सकते हैं मतलब इससे बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि दो लोग निकल जाएंगे। हाँ तो भाई अब अंदर का आप बताइए मेरे को। सेम वही एमजी का क्लस्टर वगैरह है इसके अंदर जो मार्किंग लगी हुई है। सबसे यूनिक इसके अंदर सबसे अलग चीज और फीचर वाइज मैं कहूँ तो इसमें 3 डिफरेंशियल लॉक है। हाँ ये बताइए भैया, ये 3 डिफरेंशियल लॉक है। आप देखेंगे इस पे डिफरेंशियल लॉक के लिए कंपनी ने खुद से इसके अंदर वो लिख के दिया कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। मैं बताऊँ उससे पहले खुद इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है तो मतलब ये एक बहुत यूनिक चीज है क्योंकि हमने किसी कार में 3 डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलते हैं मोस्टली। हाँ। क्योंकि ये एमजी के लिए ही बनाया हुआ है, ये इसी ऑफ रोडेड है तो इसी के लिए बनाई है सब चीजें। इसका आप गियर लीवर भी देखेंगे तो कुछ अलग तरीके का है। अच्छा बस ऐसे आप आगे कर रहे हैं उसको। हाँ, इसमें सिंपली है ये पार्क रिवर्स न्यूट्रल एनडी कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स एंड वो। अच्छा इसी को क्लिक करने से हमारा पी इसमें पार्किंग है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है एस्ट्रे। मतलब ये मैंने देखा एक शौक अलग है एस्ट्रे इन कारों में जरूर होता है। मतलब अब इंडियंस कार में इतना एस्ट्रे का नहीं है, मसाजर वगैरह है अब देख सकते हैं। अच्छा इन सीट्स का भी हाँ मैंने सुना था काफी मतलब यूनिक है, तो आगे पीछे होना तो वो नॉर्मल है लेकिन कॉलर दिया गया। अच्छा ये इसका आर्मरेस्ट अपना थोड़ा बहुत आप स्टोरेज जो कर सकते हैं कम करना, स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं आप इसके अंदर अपना यूएसबी और रिमोट्स। मतलब स्पेस के मामले में ठीक है, काफी जगह दी हुई है, बाहर कोई रखने का नहीं है मोबाइल का, लेकिन यहाँ सफिशिएंट जगह यहाँ दिया होगा। गाड़ी के पेपर कैरी कर सकते हैं डेफिनेटली भैया। और मतलब जो फील एंड टच आ रही है इसको पकड़ के, मतलब एक तो थोड़ा सा स्पोर्टी कार तो है ही अंदर अंदर, करेक्ट, बट लेदर उसको और एनहेंस कर रही है। मैं सिटिंग भी बोल सकता हूँ, सीट्स पे आप देखेंगे इसका अलग से रियर इंफोटेंट सिस्टम दिया गया है, एक बार पीछे बैठ के देखेंगे। और मतलब जो मैं कह रहा हूँ इसमें मेरे को अच्छा लग रहा है वो शायद यह है कि एक तो लेदर की वजह से शायद इस कार में और थोड़ा सा मतलब प्रीमियम फील आ रहा है बैठने में। तो और भैया इसमें मतलब कितना, जैसे पावर के बारे में मैं बात करूं तो और गाड़ियों से आप तो ऑलमोस्ट सारी कार चलाते रहते हैं, सेकंड मेरे हिसाब से ये सेकंड मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, शायद 7-8 सेकंड में तो ये 100 क्रॉस कर जाती होगी बहुत आराम से हो जाएगी। अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के कहीं ऐसी जगह पे ट्राई करें तो ये शायद 5-6 सेकंड में अपना 100 क्रॉस कर देगी। आप हम तो इन सब चीजों को नहीं करते क्योंकि नहीं डेफिनेटली कस्टमर का व्हीकल है। आप इसकी साइड्स पे देख सकते हैं जाके इनके आउटपुट पढ़ सकते हैं आपके आउटपुट कितने सेकंड में, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ कि विद इन अ सेकंड ये डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगी। ऐसा हमारा कुछ पीछे का इंटीरियर है इसका। और अगर हम बात करें यहाँ पे एनजी लिखा हुआ है अंदर, मतलब ये हमारी मर्सिडीज के पीछे ही हमारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और इसमें आप अपना जो भी कुछ प्ले करना चाहें, आपकी एलसीडी दोनों जगह दी हुई है ये, और ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये लाइट का दिया हुआ है। और देखिए मतलब पीछे यहाँ पे आपका ब्लोअर का पूरा कंट्रोल वगैरह सब कुछ है, 12 वोल्ट का चार्जिंग है, कप होल्डर दिए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है यहाँ हम्प नहीं है बीच में, जैसे होता है कि बीच में काफी ऊंचा होता है, तो यहाँ पे 3 लोग, वैसे तो इन कार्स में यूजुअली 2 ही लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, देखा है कभी तो, कभी कभी तो 2 ही लोग जा रहे होते हैं पूरी कार में, बट इसमें अगर कोई बैठना चाहे तो बहुत इजीली बैठ सकता है, बीच वाला हम बिल्कुल 0 से है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। और देखिए सीट्स बहुत अच्छी हैं, मतलब ये स्पोर्ट्स सीट्स हैं तो उस तरीके से इनका मतलब प्लेसमेंट ऐसा किया गया है कि मतलब देख के नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बैक सपोर्ट में इशू हो सकता है, पूरी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और मैं आपको एक बार उनका भी दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे मार्किंग दी होती है कि आपकी सीट्स पीछे से वेंटिलेटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं मतलब ये इसमें सीट में हम बैठते हैं हमारी मेमोरी के हिसाब से ये हमारा जो सपोर्ट है वो आगे पीछे हो जाता है, मतलब जैसा मेरे को होगा मैं पूरा मतलब इसमें एडजस्ट हो जाऊंगा ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। अभी कर्व देख सकते हैं जो हमारी बैक पेन के लिए स्पेशली होता है, हमारा एक कर्व होता है डेफिनेटली, कार्स में देखेंगे ये कर्व इसमें इतने नहीं होते हैं, बहुत हल्के से माइन्यूट वो बना के देते हैं, देखेंगे आपको ऑलरेडी आपके जो बैक शोल्डर है इनको ऑलरेडी रिलैक्स होल्ड करके रखेगा उसमें। और डेफिनेटली मतलब उसके बाद सेटिंग्स अलग से दी हुई है तो हाँ मतलब आपको जितना लंबर सपोर्ट आपको रखना है और वो मतलब याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम आप बैठो आप बस यहाँ से अपना नंबर दबाइए कि आपका 1, 2, 3 कौन सी पोजीशन पे आपको सेट करना है, आपकी सीट एग्जैक्टली वैसी सेट हो जाएगी। तो देखिए यही सारे फीचर्स होते हैं जो एक कार को यूनिक बनाते हैं। डेफिनेटली ये कार एक ऑफ रोडर थी अच्छी। तो और कुछ भैया जो इस कार के बारे में, वैसे तो आपने सारा डिटेल में बता दिया है, हाँ मतलब कुछ इस तरीके का बचा नहीं है, मैं एक बार आपको चला के और दिखाता हूँ। हाँ चला के हम देखेंगे डेफिनेटली। हाँ हाँ नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी कार बता रहे थे? नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंट दे देता हूँ कि ऑलमोस्ट वो 50-60 ईयर ओल्ड कार होगी। 60 ईयर ओल्ड कार, मतलब मेरे पैदा से तो पहले की है। डेफिनेटली भैया वो कार जरूर देखना चाहेंगे, मतलब मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं मेरा
जल्दी मॉडिफिकेशन होगा, देन उसके बाद मैं आपको उस वीडियो में डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लग्जरी कार, हमें बस यूनिक कार चाहिए हम चैनल के लिए। वो सारी लग्जरी को फील करती है मेरे हिसाब से, अगर उस गाड़ी में जो बैठा है ना वो लग्जरी वाले की कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे, वो कार कुछ इस तरीके की होगी। बाकी मोड डिटेल मैं आपको वीडियो के साथ ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक सेकंड के लिए स्टार्ट करते हैं और मैं भैया को पकड़ा देता हूँ कैमरा तब तक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब एक सबका मन होता है कि कभी जी वैगन चला सकें, और आज डेफिनेटली भैया ने मतलब मेरे को ऑप्शन दिया है चलाने का। तो सबसे पहले तो पार्किंग हमें रिलीज है, टर्न ओवर ब्रेक दबाओ। अच्छा, तो फ्रेंड्स छोटा सा ही एक, बस यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल आगे का सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल मतलब सबसे अच्छी बात इस कार की मेरे को ये लग रही है कि मेरे को बोनट आगे का पूरा एग्जैक्टली दिख रहा है। मेरे को कुछ ऐसा टेंशन नहीं है कि मैं इतनी कॉस्टली कार चला रहा हूँ तो मेरे को शायद दिक्कत हो। और डेफिनेटली मतलब आवाज और उस सब का आपको एक रोड प्रेजेंस पता लगेगी, सब आपको देखना चाहेंगे कि आप कौन सी कार चला रहे हैं। मतलब ये इतनी नॉर्मल हमें नहीं दिखती है। इवन अगर कोई अच्छा ऑटोमोबाइल लवर होगा वो डेफिनेटली आपकी कार को देख के अप्रिशिएट करेगा। तो आगे यहाँ से भैया को मैं देता हूँ, भैया चलाएंगे और फिर हम देखते हैं कि रोड पे इसका कैसा एग्जैक्टली प्रेजेंस आता है। बस इसको पार्किंग पे। फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमारा व्यू आता है जी वैगन का। और देखिए इसके लिए रोड पे ऐसे छोटे मोटे गड्ढे आपको देखना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, मतलब अंदर भी इवन फील नहीं होते हैं ये सारे। आप देख सकते हैं हल्का सा रेस देते ही कैसे कार उठती है एकदम। और छोटा सा हमारा ये राइड थी, हम बहुत लंबा नहीं जा रहे हैं कहीं, बस व्यूअर्स का देखने का मन होता है कि कैसी इसकी ड्राइविंग होती है। फ्रेंड्स ऐसा कुछ हमारा छोटा सा एक वीडियो था और ये हमारी मर्सिडीज जी वैगन थी। डेफिनेटली भैया के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक बहुत यूनिक कार आने वाली है, उससे पहले अगर कोई बहुत अच्छी कार आएगी तो डेफिनेटली हम वो भी ट्राई करेंगे डालने की। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइबमेंट्स हो, कोई सजेशन हो आप प्लीज हमें कमेंट करिए। थैंक यू, आप लोग लव कर रहे हैं हमारे चैनल को। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए भैया भी कह रहे हैं बेल आइकन जरूर दबाइए, बहुत मेहनत लगती है अच्छी है कोई कार ऐसी लेके आने के लिए आपके लिए। तो डेफिनेटली मतलब अप्रिशिएट करिए वीडियोस को और हमें भी अच्छा लगेगा। हम डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। और बेल आइकन दबाने का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि कोई भी कार मेरे चैनल पे आए चाहे भैया के चैनल पे आए, आपको उसका अपडेट मिलेगा। आप नेक्स्ट टाइम पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अब कोई नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो प्लीज वॉच करते रहिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स।